मैं पहले तो अपनी पकड़गंज की जनता को 197 को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि जो उन्होंने इतना प्यार जताया, और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, दिल से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं मुद्दों की बात करती हूँ कि मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि यहाँ पे पेंशन, जो वृद्ध पेंशन है वो बंद है, मैं उसको चालू करवाऊंगी। और एक राशन कार्ड की दिक्कत है, यहाँ पर राशन कार्ड बंद करा हुआ है दिल्ली सरकार ने, उसको भी चालू करूँगा। अभी हमारे होम मिनिस्टर जी ने अभी उद्घाटन कराया, वो तो काफ़ी सबने देखा है, और कूड़े के पहाड़ सफा भी हो रहे हैं। और अभी आप मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं सीमा मानसिंह जी, उनके पति देव ने अभी बताया था कि जो 8 साल से कूड़े का जो पहाड़ है वो कम हो गया है, अब कूड़ा कम हो गया है दिल्ली में। मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि वो कूड़े का जो सिस्टम जो हमारे होम मिनिस्टर जी ने शुरू करा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। कोई भी चीज़ एक दिन में कभी भी नहीं ख़त्म होती, बहुत सारे सालों की जमा चीज़ है, उसको धीमे धीमे कर कर हमारी सरकार इसकी कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली की जनता है वो इससे पीड़ित है, उसको कम करा जाए और उससे बाहर निकाला जाए इनको, उसका हल कर रही है। जो हमारी MCD है वो लिंक है दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार पैसा और फंड अलॉट नहीं करेगी तो MCD कैसे चला पाएगी, इस वजह से MCD में समस्याएं आ रही हैं। जब सरकार में जब एक ही जो आनन फानन में जो शीला दीक्षित ने जो कदम उठाया था, जो 3 निगम कर दिए थे, उसका ये भुगतान हम भर रहे हैं। अब जो हमारी दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय की सरकार ने जो एक एकमात्र एक मेयर घोषित कराया और एक ही निगम कर दिया है, उससे फायदा होगा दिल्ली की जनता को, और सीधा जो बजट आना है वो आएगा। मुद्दा बीजेपी, हमारा बीजेपी का मुद्दा ये है कि हम 15 साल से हैं, और 15 साल से छोटी मोटी शिकायत हम कहीं भी रहते हैं उसमें रहती है, परिवार में भी रहेंगे तो शिकायतें तो रहती हैं। तो जहाँ तक है हमारी स्वच्छता का हमारा सबसे बड़ा वो ध्यान रहता है, हमारी सरकार का, हमारी निगम का स्वच्छता के ऊपर होता है, लाइटों के ऊपर होता है, बहुत सी चीज़ें दिल्ली में इम्प्रूवमेंट भी हुई हैं, पार्क भी बने हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो वो भी सरकार जनता देखे और उस बात पर निर्णय ले। मैं पटपड़गंज क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी जो मेरे प्रत्याशियों को जो मेरे पहले पूर्व में रहे हैं निगम पार्षद, वो जो पार्क उनसे रह गए हैं, जो समय कम मिला या वो देख नहीं पाए हैं, उन पार्कों को मैं सही करवाऊंगी। मैं पेंशन लागू करवाऊंगी वृद्धों की, मैं जो राशन कार्ड बंद हैं उनको चालू करवाऊंगी, शिक्षा पे बहुत ध्यान दूंगी, ये मैं कहना चाहती हूँ।